हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो ला रहा हूँ। बहुत डिमांड आई थी मेरे पास, बहुत मेल्स आए थे। अब मैं आपको ये डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कैसे भी कोई भी IAS हो, कोई भी इंटरनेशनल स्टैंड IAS हो, ENASTM, कोई भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ ISO 4649 लेता हूँ। जैसे 4649 यूज़ किया जाता है उसके अपडेशन टेस्ट करने के लिए किया यूज़ किया जाता है, जो ऑक्सोल में काम आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ISO का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर सर्च किया तो ये 2017 लेटेस्ट है। उसका प्राइस देख सकते हैं आप, CHF 124 है। ओके, अगर मैं इसको फ्री डालता हूँ तो फ्री हम कैसे इसको पा सकते हैं? तो देखिए, फ्री पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए क्या आ रहा है, ISO 4649 आ गया। लेकिन ये 24 पेजेस का है, ये नोट करने वाली बात है, 24 पेजेस का है। और यहाँ देखते हैं आप ईयर्स में, आप ईयर में चेक कीजिए तो 4649 का है। बट अभी हमने कुछ देर पहले देखा था वो कितना था, 2017, और नाम भी सेम ही है। ऑपरेशन सिस्टम फॉर रोटेटरी सिलिंड्रिकल ड्रम डिवाइस 2010। ऑफिसियल साइट पर क्या है इसका नाम और ईयर क्या है इसकी, तो ये इसका ऐसा ऑफिसियल साइट इस पर देख सकते हैं सब कुछ है। बट ईयर आप देखेंगे, ईयर जो है वो डिफरेंट है। और इसको डाउनलोड करने के लिए मैं पहले आपको बता दूँ कितना होता है। देखिए, 1 rupees 89.43 paise के बराबर होता है। अगर हम 124 rupees डालते हैं तो ये होता है 11,089.76, अराउंड मान लीजिए 11,100 rupees के बराबर हो जाता है। सब पीक अमाउंट एक छोटे से स्टैंडर्ड के लिए जो 27 पेज है 24 पेज। फिर ये देखिए हमारे स्टैंडर्ड, अगर आप इसको करते हैं यहाँ पर आएगा आपको लॉग इन करने का ऑप्शन, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पे आपको फ्री में बताने वाले हैं कैसे इतना महीना 11,000 रुपये का स्टैंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके प्यार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी हेल्प ऐसे करते हैं, नई नई चीज़ लाते रहेंगे ताकि फालतू में कोई भी कहीं भी आपका जो इन्वेस्टमेंट बचा सके। तो मैंने ये लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक को कॉपी करेंगे तो आप इस पर कॉपी करेंगे और अपने क्रोम में ओपन करते हैं वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टैंड आपको मिल जाएंगे, API, ASME, ASTM, D-Section, BSEN आपको मिल जाएगा, IEC के मिल जाएंगे और ISO के भी मिल जाएंगे। 1 से 1000 लेटेस्ट अपडेट है 7/3/2023 का है। एंड ISO 25,000 to 30,000 ISOs यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, ASCJ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। तो ये आप देख सकते, ये जो आपको दिख रहा है हमको अभी क्या चाहिए, 4649 2017। सो देखिए 4649 इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, इसके अंदर है कि नहीं हम चेक करते हैं। लेट्स फाइंड 4649। तो देखिए 4649 2017 अवेलेबल है, इज अवेलेबल हियर। सो हम इस मैग्नेट इस लिंक को, ये देखिए यही है 2017, ओके 2017 अवेलेबल है। तो हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हमें ये मैग्नेट लिंक आपको दिख रहा है, मैग्नेट लिंक इसे ओपन करा। अभी देखिए हमें इसको ओपन में कुछ नहीं, क्लिक करें कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करें कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं बोला कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। इसके लिए इस मैग्नेट को मैं हमें टोरेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। टोरेंट डाउनलोड करने के सिंपल से यहाँ पे टोरेंट सर्च कीजिए अब, एंड आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना। फ्री डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको, फ्री जो है फ्री वाला फ्री कहाँ सब चीज़ फ्री है, तो हम आपको सब कुछ फ्री में दिला दूँगा। इस टोरेंट को भी डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कैसे आप टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर टोरेंट को इंस्टॉल करते हैं। मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में। चलिए हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये सब आता है आपको, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग XYZ, सब जो भी एड्स आ रहे हैं फालतू पेजेस को बंद कर देता है। हमें आ जाना है वापस अपने पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसको मैग्नेट लिंक के हमको 4649 अपने ध्यान देना, 1 से 5000 के बीच में ही आएगा क्योंकि 4946 है उसका कोड, सॉरी 4649 उसका कोड है।
तो 1 से 1.5 के बीच में आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 7/3/2017 का अपडेट है। तो अब हम ये क्या करते हैं, मैग्नेट लिंक पे ये देख सकते हैं, मैग्नेट लिंक जो आपको देखा, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा ओपन टोरेंट। ओपन टोरेंट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके टोरेंट में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड में आप वहाँ पर अपना पास सेलेक्ट करें, किस बात में करना है, ऑटोमेटिक सब डिटेल्स आपको होता है, कितना GB कितने MB का ये है। लगभग ये आपको 4.13 GB का पड़ेगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है ओपन टोरेंट का, तो ये जो भी लिंक जो भी आपको वो डाउनलोड करना है, जो भी स्टैंडर्ड चाहिए ऐसे। बता रहा हूँ गाइस, कोई भी एक भी स्टेप आप स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको डाउनलोड नहीं हो पाएगा। प्लीज डोंट स्किप एनी स्टेप एंड यू हैव टू मस्ट हैव टू फॉलो द एवरी स्टेप व्हाट आई एम सेइंग यू एंड फॉर डाउनलोडिंग द एवरी ISO एंड EN एटसेट्रा व्हाट एवर यू वांट। ओके नाउ आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो चुका है। एक्चुअली मेरे मोबाइल जो डिवाइस है ना, PCS में PDF अभी तो मैंने रीडर और डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट में ओपन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टैंडर्ड डाउनलोड के लिए 4649/2017 का वहाँ से, और ओपन करके दिखाता हूँ मैं। ये ओपन पूरा हुआ है, देख सकते हैं 28 पेज का, 24 पेज जो फ्री वाला था, फ्री वाला जो आप वेबसाइट पर गए थे 24 पेजेस का। ये देखिए ईयर भी आप देखते रहो 2017 का है, और ये देखिए 2017 आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट है। और आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का जो नाम है, हेडिंग है, वो भी आपको दे सकता हूँ, 28 पेजेस का है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड करवाया है, यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉच।